भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को कमतर नहीं आती। लोकसभा, विधानसभा से लेकर पंचायत चुनाव को तैयार के लिए लड़ती है। पार्टी चुनाव के लिए 12 महीनों, 7 दिन और 24 घंटे तैयार रहती है। यह कहना है रायपुर से पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार मंत्री श्री ब्रजमोहन अग्रवाल का। श्री अग्रवाल ने शुक्रवार को राजधानी के मोतीबाग स्थित केंद्रीय चुनाव कार्यालय का विधिवत पूजन अर्चना के साथ शुभारंभ किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में श्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने चुनाव के लिए कमर कस ली है। अब पार्टी दफ्तर के शुभारंभ के बाद कार्यकर्ता एक बार फिर पार्टी के काम और विचारधारा को लेकर जनता के बीच आएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी का छोटे से बड़ा हर कार्यकर्ता अपनी पूरी क्षमता और ईमानदारी के साथ काम करता है, यही पार्टी की जीत का मंत्र है। श्री अग्रवाल का यह भी कहना है कि महिलाओं के खाते में महतारी बंधन योजना का पैसा पहुंच गया। उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन, अयोध्या में रामलला की दर्शन यात्रा, गरीबों के लिए 18 लाख पक्की आवास के साथ ही शिक्षा विभाग में 33,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। 5 साल बाद एक बार फिर से राज्य में भव्य कुंभ कल्प का आयोजन हुआ, जिसमें देश विदेश से साधु संतों और श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर सांसद श्री सुनील सोनी समेत पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद। जो कार्टून जारी कर रहे हैं उसमें कांग्रेस का बयान है कि आप लोग हताशा बोल रहे हैं, बताने के लिए कुछ नहीं इसके कार्टून जारी कर। ऐसा है, कांग्रेस लंबे चौड़े बयान देती है जिसका कोई अर्थ नहीं है। बीजेपी का एक कार्टून उनकी पूरी पोल खोल देता है। भारतीय जनता पार्टी कौन कौन से मुद्दों को लेकर इस बार जा रही है, क्योंकि पोस्टर तो कार्टून और उनका जो भ्रष्टाचार वो तो दिख रहा है, उसके अलावा और कौन सा मुद्दा? भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों को लेकर जाएगी। शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली कोई सरकार है जिसने अपने 5 साल के वादों को 3 महीने में पूरा कर दिया है। चाहे वो 18 लाख मकान देने का वादा हो, चाहे फिर वो मातृवंदन योजना में महिलाओं के खाते में 12,000 रुपये साल के डालने का मामला हो, चाहे वो 2 साल के बोनस का मामला हो, चाहे 2100 रुपये धान खरीदी का मामला हो, चाहे तेंदू पत्ते की मजदूरी 4500 से 5500 रुपये करने का मामला हो, तो जितने भी मामले हैं जिससे जनहित और लोकहित है, ऐसी सभी बातों को बीजेपी ने पूरा करना है। अभी आप केंद्रीय कार्यालय जा रहे हैं, पूजा पाठ करके विधिवत शुरू हो जाएगा काम धाम? निश्चित रूप से हमारे लोकसभा रायपुर का जो कार्यालय है, आज वहाँ पर भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद उस कार्यालय का हम प्रारंभ कर रहे हैं, और कल से हमारे सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा स्तरीय सम्मेलन भी शुरू हो जाएगा।